पूरा है। ठीक है, सबसे पहले तार है, ये चारों तार हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सेकंड कौन सा है? तुम्बा। ये पोर्शन तुम्बा होता है, जो गोल आकार का होता है, पीछे से गोल आगे से फ्लैट। थर्ड पॉइंट तबली। ये जो तुम्बा होता है, इसका आगे का पोर्शन ये हॉलो होता है, तो आगे इसमें ये नहीं होता, ये कद्दू का बना हुआ होता है, तो पूरा गोल होता है, तो जब इसको काटते हैं तो ये आगे वाला पोर्शन ब्लैंक होता है, तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग करी गई है ऊपर से, इसको तबली कहते हैं। नेक्स्ट डांड। डांड जो होती है वो ये पोर्शन होता है, ये जो यहाँ से लेकर पूरे ऊपर तक ये डांड कहलाती है। ठीक है, इसमें ऊपर ये खूंटियाँ लगी होती हैं डांड में, ये 3.5 से 4 फीट लंबी होती है। नेक्स्ट ब्रिज। तबली के ऊपर ये जो चौकीनुमा पट्टी है, चौकीनुमा रेक्टेंगुलर शेप ये जो पट्टी है, ये ब्रिज कहलाती है, इसके ऊपर से चारों तार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट खूंटियाँ। खूंटियाँ ये ऊपर जो चार, ये चार खूंटियाँ लगी, 1 2 3 4, दो सामने की तरफ हैं, एक दाएं है और एक बाएं है। ठीक है, इनमें तार कसे जाते हैं। फिर उसके बाद अटी, ये जो दो पट्टियाँ हैं, ये वाली और ये वाली, तो नीचे वाली जो पट्टी है ये हाथी दांत या अड्डे की, ये दोनों सेम मटेरियल की बनी होती है, फ़र्क इतना है कि इसके ऊपर से तार जाते हैं चारों, और इसके अंदर ये छेद हैं छोटे छोटे, इन छिद्रों के द्वारा तार जाते हैं और इसके ऊपर से ऊपर जाते हैं, और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, इसका और इसके बीच का आधा या 1 इंच का गैप होता है, अटी एंड तार गहन। नेक्स्ट लंगोट। ये जो है ऊपर से तार यहाँ पर खूंटियाँ से कसे जाते हैं, फिर इसके ऊपर से यहाँ आकर ब्रिज के ऊपर से होकर जब नीचे जाते हैं, तो नीचे इनको बांधने की ये व्यवस्था होती है, ये वाइट वाला ये, और ये पूरा ये पोर्शन, ये पूरा जो पोर्शन होता है इसके ऊपर चिपकाया जाता है, और इसके अंदर ये तार फाइनली बांध दिए जाते हैं। तो तारों को नीचे बांधने की व्यवस्था को जो तुम्बे के नीचे पोर्शन में होती है, उसको लंगोट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट गुलू। ये जो तुम्बा होता है गोल, और ये डांड होती है, ये जो तुम्बा होता है और ये जो डांड होती है, इसको इसका जो जॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है, इसको हम जहाँ पे दोनों आगे मिलते हैं उसको गुलू कहते हैं। आगे के पोर्शन में इसको इसके ऊपर पत्ती लगा देते हैं डेकोरेशन के लिए, इंडिकेशन के लिए, वरना पीछे से आप ये लाइन देख सकते हैं, पतली सी लाइन ये जो जा रही है, ये इन दोनों के जॉइंट की है, ये तुम्बा हो गया, ये डांड हो गई, तो जहाँ तुम्बा और डांड आकर मिलेंगे उसको गुलू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पत्तियाँ। ये जो डेकोरेशन देख रहे हैं आप, इसके ऊपर ये हो गई, या फिर ये चारों तरफ जो बाउंड्रीज हो गई, ये जो डेकोरेशन होती है पत्ती के लिए, इसको ये पत्तियाँ होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं, उनको अलग से चिपकाया जाता है डेकोरेट करने के लिए। नेक्स्ट मन का जो है वो, ये ब्रिज हो गया और ये लंगोट हो गई, इसके बीच में ये जो छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे ये उसके भी होते हैं, किस मटेरियल के लिखे हैं, हाँ हाथी दांत, कांच के या फिर बत्तख के आकार के होते हैं, जब हम ऊपर से तारों को इनको स्वरों में ट्यून करते हैं खूंटियों से, उसके बाद जो फ़र्क रह जाता है थोड़ा सा, 19-20 का जो फ़र्क होता है, वो इनको कसने से वो सुर मिलाए जाते हैं, थोड़ा बहुत जो फ़र्क रह जाता है, इनको मनका कहते हैं। ठीक है, और इन चारों तारों को बारी बारी से बजाते हैं, पहली तार को सीधे हाथ की मध्य उंगली से बजाते हैं, और बाकियों को तर्जनी उंगली से, और ये बारी बारी से बजाया जाता है, एक साथ नहीं।